हेलो फ्रेंड्स, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास 20 की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है हॉर्मोन्स। जी हाँ, और ये जो हॉर्मोन्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये सभी के सभी प्लांट हॉर्मोन्स हैं, हिंदी में कहेंगे जिसे हम पादप हार्मोन। जी हाँ, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? पादप हार्मोन। देखिए, हम लोग देख रहे थे, हमारा जो चैप्टर था वो था न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम लोग एक्चुअली पहले प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, यही वजह है कि हम लोग पहले प्लांट के हार्मोन्स के बारे में देख लेंगे, पादप हार्मोन के बारे में देख लेंगे, और इसको देखने के बाद तब हम लोग जंतुओं में पोषण की बात करेंगे, जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सबों की चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को हार्मोन को शुरू करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर हार्मोन है। हार्मोन, सबसे पहला बात है कि हार्मोन का काम क्या होता है या हार्मोन क्या करता है। तो याद रखना है, हार्मोन पौधों की, जी हाँ, क्या कहेंगे? पौधों की जैविक क्रियाओं में समन्वय, जी हाँ, क्या करेगा? समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। अब आप कहेंगे कि सर, ये समन्वय क्या है? देखिए, समन्वय का तात्पर्य एक तरह से कह सकते हैं संतुलन से है, जो पौधों के सभी भागों में एक समान कार्यों को करने को प्रेरित करता है। इस हार्मोन को या इस पादप हार्मोन को मुख्य रूप से देखा जाए तो चार भागों में बांटा जाता है। जी हाँ, कितने भागों में? चार भागों में। ठीक है, तो ये चार भाग कौन कौन है, चलिए देखते हैं। पहला होगा ऑक्सिन, दूसरा होगा जिब्रेलिन, तीसरा होगा साइटोकाइनिन, और चौथा होगा वृद्धि रोधक हार्मोन। जी हाँ, चौथा क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन। तो ये हार्मोन कितने भाग में बटे या कितने प्रकार के हुए? चार प्रकार के हुए। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, और चौथा वृद्धि रोधक हार्मोन। अब देखिए, जो वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये भी दो भाग में बटा हुआ है। एक है एब्सिसिक एसिड और दूसरा है एथिलीन। दूसरा क्या है? एथिलीन। तो यदि देखा जाए, ऐसे तो वर्ग चार हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण देखा जाए तो कितने हो गए? ये पांच हो गए। जैसे ऑक्सिन को हम लोग कहते हैं ऑक्सिन इंग्लिश में, जिब्रेलिन को कहेंगे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड, और ये हो गया एथिलीन। कुल मिला के हमारे पास कितने हार्मोन हो गए? पांच हार्मोन हो गए। पहला ऑक्सिन हो गया, दूसरा जिब्रेलिन हो गया, तीसरा साइटोकाइनिन हो गया, चौथा एब्सिसिक एसिड हो गया, और पांचवा एथिलीन हो गया। अब देखिए, ये जो एब्सिसिक एसिड या हिंदी में जिसे हम एब्सिसिक अम्ल कहेंगे, ये क्या करता है? ये पौधों की वृद्धि के दर को कम कर देता है, पौधों की वृद्धि को रोक देता है, बीज के अंकुरण को सुसुप्तावस्था में ले आता है। आगे एक एक करके सबकी बात करेंगे। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। और ये जो एथिलीन है, आप लोग पढ़ते होंगे इसे फल पकाने वाला हार्मोन। जी बिल्कुल सही है, ये फल पकाने का कार्य करता है, परंतु ये भी कई तरह से, कई प्रकार से पौधों के विकास में बाधक होता है, बाधक बनता है, इसलिए एथिलीन भी वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। परंतु एथिलीन जिस नाम से हम लोग जानते हैं वो है फल पकाने वाला हार्मोन, और वृद्धि रोधक के नाम से जिसे जानते हैं वो है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। लेकिन आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या करता है? वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए इस दोनों को वृद्धि रोधक की कैटेगरी में रखा गया है। इसी कारण इन दोनों को वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास कैटेगरी हुए चार लेकिन हार्मोन हुए पांच। इसके अलावे एक हार्मोन के बारे में और पढ़ना है जिसे कहते हैं फ्लोरीजेंस। क्या कहेंगे? फ्लोरीजेंस। ये होता है फूल खिलाने वाला हार्मोन। जी हाँ, कौन? फ्लोरीजेंस। ये क्या होता है? ये होता है फूल खिलाने वाला हार्मोन। तो कुल मिलाकर हमें अभी इन छह हार्मोनों के बारे में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, आगे सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? वो है ऑक्सिन। तो चलिए हम लोग इसके फैक्ट्स पर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जिन्होंने की थी उनका नाम था बेंट। जी हाँ, खोज किसने की थी? बेंट ने की थी। और इसे जिसमें सबसे पहले ढूंढा था वह पादप था जई, जिसे हम लोग जौ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? जौ कहते हैं। तो ऑक्सिन की खोज सबसे पहले किसने की? तो बेंट महोदय ने की। किस पादप में की? तो उन्होंने जौ में की। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या करता है ये हार्मोन? प्रारोह तंत्र का विकास करता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था एक था रूट सिस्टम और दूसरा था शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हमारे पास दो प्रकार के रूट थे, केवल और केवल जड़ थे, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। शूट सिस्टम में क्या था? शूट सिस्टम में था फ्लावर, फ्रूट, बर्ड्स, लीव्स, स्टेम, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी सूट सिस्टम में आते हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रारोह तंत्र। और ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये किसका विकास करता है? ये मुख्य रूप से प्रारोह तंत्र का विकास करता है, आपको याद रखना है। किसका विकास करता है? प्रारोह तंत्र का विकास करता है। ये विकास करने में इसलिए सफल हो पाता है क्योंकि इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे IAA कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इंडोल एसिटिक एसिड, या हिंदी में कहेंगे इंडोल एसिटिक अम्ल। जी हाँ, ये किस में पाया जाता है? ये ऑक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। और इसके बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम था साल्कोवस्की। जी हाँ, उनका नाम क्या था? साल्कोवस्की। इन्होंने किसके बारे में बताया था? एंडोल एसिटिक एसिड के बारे में या एंडोल एसिटिक अम्ल के बारे में बताया था। अब इसके अलावा ये और क्या कार्य करता है? ये बीज रहित फल बनाने में सहायता करता है, मतलब जो फल होगा उसमें बीजें नहीं होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्थेनोकार्पिक को प्रभावित करता है। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ऑसिनेक ऑनिसेक फलन, ये क्या करता है? ये ऑनिसेक फलन को प्रेरित करता है। इसका मतलब बिना अंडाशय से इसका परिपक्वन होगा, बिना अंडाशय के निषेचन होगा। जब अंडाशय से फल नहीं बनेगा तो उसे बीज आएगा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। इसके अलावे ये पत्तियों के झड़ने और गिरने का नियंत्रण करता है। क्या करेगा? पत्तियों के झड़ने और गिरने का नियंत्रण करेगा, या हम यूं कह सकते हैं कि पत्तियों का गिरना या झड़ना पर कंट्रोल किसका होता है? ऑक्सिन का कंट्रोल होता है। इसके अलावे जब बीज का जन्म हो रहा होता है ये बीज को सुसुप्तावस्था में रखता है।
सुसुप्तावस्था होता मतलब बीज पूर्ण रूप से अंकुरित नहीं हुआ है, पूर्ण परिपक्व नहीं हो रहा है, तो ये उसे सुसुप्तावस्था में रखता है। यही कहते हैं बीज को सुसुप्तावस्था में रखना। लेकिन अब आपको एग्जाम में क्या पूछता है इससे ये बता दें, आपको एग्जाम में पूछता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो तने की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? तने की लंबाई में वृद्धि करता है, वो हार्मोन कौन होगा? ऑक्सिन होगा। चलिए एक बार फिर से दोहरा दें, ऑक्सिन की खोज किसने की? बेंट महोदय ने की। किस पादप में? तो जई में। ये क्या करता है? प्रारूह तंत्र का विकास करता है। याद रखना है प्रारूह तंत्र में ही क्या आता है? हमारा तना आता है। फिर से बता दें, तना, पत्ती, पुष्प, कलिका, फल, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी प्रारूह तंत्र में आते हैं। तो ऑक्सिन सबों का विकास करता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या करता है? तने की लंबाई में सहायता करता है। इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसे कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, हिंदी में कहेंगे इंडोल एसिटिक अम्ल। और इसकी खोज या इसके बारे में जिसने बताया था, या यूं कह सकते हैं इसका संश्लेषण सबसे पहले जिन्होंने किया था, वो थे साल्को वशकी महोदय। जी हाँ, वो कौन थे? साल्को वशकी महोदय थे। इसके अलावे ऑक्सिन क्या करता है? बीज रहित फल बनाने में सहायता करता है, अर्थात जो फल होंगे उनमें बीज का अभाव होगा, क्योंकि ये अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जिससे हम लोगों ने याद कीजिए पढ़ा था, इंग्लिश में पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, जिसमें फल का बिना अंडाशय के निषेचन होगा, बिना अंडाशय के फल बनेगा तो उसमें बीज होंगे नहीं, उसी को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। पत्ती के झड़ने और गिरने का भी नियंत्रण करता है, कौन करता है? ऑक्सिन। अर्थात पत्तियों पर भी कंट्रोल होता है, उसके गिरने पर, उसके झड़ने पर, किसका कंट्रोल? ऑक्सिन का। और ये क्या करता है? बीज को सुसुप्तावस्था में रखता है, जिससे कभी कभी कुछ कुछ को फायदा होता है। जैसे इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है आलू को। जी हाँ, किसको होता है? आलू को। तो ये बीज को सुसुप्तावस्था में रखने का कार्य करता है। इसके ठीक अपोजिट है कुछ मामलों में जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी क्या करता है? प्रारूह तंत्र का विकास करता है, लेकिन जिब्रेलिन मुख्य रूप से मोटाई में वृद्धि करता है और बीज को सुसुप्तावस्था से जागृत अवस्था में लाता है। देखिए, ये बीज को सुला रहा है, ऑक्सिन बीज को सुला रहा है, जिब्रेलिन बीज को जगा रहा है, जिब्रेलिन बीज को जगा रहा है। ऑक्सिन लंबाई में वृद्धि कर रहा है, ऑक्सिन लंबाई में वृद्धि कर रहा है, जिब्रेलिन मोटाई में वृद्धि कर रहा है। ये दो सबसे बड़ा अंतर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग जिब्रेलिन की। देखिए, हार्मोन चैप्टर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये हार्मोन्स आपको पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे भी याद रखेंगे आप लोग। मैं लगभग रोज़ आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग एक नोट्स बना लें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, बाद में आसानी से आप उसका रिविज़न कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे जिब्रेलिन की। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन्स। देखिए, सबसे पहला फैक्ट कि जिब्रेलिन्स की खोज की थी जिसने, उनका नाम था कुरोसावा। जी हाँ, उनका नाम क्या था? कुरोसावा। और जिब्रेलिन क्या करता है? ये तने की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करता है। लेकिन यही यदि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, तो याद रखना है ये वृद्धि मुख्य रूप से किस में करेगा? मोटाई में करेगा। जी हाँ, ये मुख्य रूप से किसे वृद्धि करेगा? मोटाई में करेगा। कौन? जिब्रेलिन। कौन? जिब्रेलिन। ऐसा इसलिए, और एक चीज हम कह सकते हैं कि जिब्रेलिन क्या करता है? ये पर्व में वृद्धि करता है। पर्व को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनोड। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को गन्ना और मक्का का फिगर बनाकर बताया था, ये दो ज्वाइंट है, इसे पर्व संधि कहते हैं, ये पर्व होता है। ये पर्व के विकास में भी सहायता करता है। कौन? जिब्रेलिन। किसके विकास में? पर्व के विकास में सहायता करेगा। और
इससे निकाला गया था, या यूं कह सकते हैं इसका निष्कर्षण हुआ था कवक से। जी हाँ, इसका निष्कर्षण किससे हुआ था या इसे निकालने का काम किससे किया गया था? कवक से किया गया था। और निकालने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था शुमिकी, और दो व्यक्ति थे, एक थे शुमिकी और दूसरे थे याबुता। जी हाँ, उनका नाम क्या क्या था? याबुता और शुमिकी। इन्हीं दोनों ने कवक से निष्कर्षित किया था या कवक से निकाला था किस हार्मोन को? जिब्रेलिन हार्मोन को, जो क्या करता है, तने की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करता है, और खास करके किस में वृद्धि करता है? पर्व में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड। अभी ऑक्सिन में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सिन क्या करता है, बीजों को सुसुप्तावस्था में ले जाता है। किस में ले जाता है? बीजों को सुसुप्तावस्था में ले जाता है। और जिब्रेलिन क्या करता है? बीज के सुसुप्तावस्था को भंग करता है, मतलब सोए हुए बीज को जगाता है, उसे जागृत अवस्था में लाता है। और ये भी बीज रहित फल बनाने में सहायता करता है। जी हाँ, क्या करता है? बीज रहित फल बनाने में सहायता करता है। कौन? जिब्रेलिन। जब बीज को सुसुप्तावस्था से जागृत अवस्था में लाएगा तो ये क्या करेगा? बीज के अंकुरण को प्रेरित करेगा। बीज के अंकुरण को प्रेरित करेगा कौन? जिब्रेलिन। तो यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में जिब्रेलिन से पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की, तो खोज कुरुसावा ने की। तने की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करता है, पर्व में वृद्धि होती है इसके कारण। इसका निष्कर्षण किससे किया गया था? कवक से किया गया था। किसने निकाला था? शुमिकी और याकूबा ने। ये क्या करता है? बीज के सुसुप्तावस्था को भंग करता है। किसको भंग करेगा? सुसुप्तावस्था को, मतलब सोई हुई अवस्था को भंग करके उसे जागे अवस्था में लाएगा और उसका अंकुरण करेगा। और साथ ही साथ ये भी बीज रहित फल को प्रेरित करता है, अर्थात इसका भी प्रयास होता है कि जो फल बने उनमें बीज ना हो। तो ये हमारा कौन सा हार्मोन था दोस्तों? ये था हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा था? जिब्रेलिन। और अब बात करेंगे हम लोग तीसरे हार्मोन की, साइटोकाइनिन की। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं और हम लोग साइटोकाइनिन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, साइटोकाइनिन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हार्मोन होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जी हाँ, किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और इसका निर्माण या संश्लेषण जड़ के सिरों से होता है। संश्लेषण कहाँ से होता है? जड़ के सिरों से होता है। और आपको एग्जाम में जो पूछता है वो ये पूछता है कि कोशिका विभाजन में, जी हाँ, किसमें? कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? जी हाँ, कोशिका विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो वो कौन होगा? वो होगा साइटोकाइनिन। कौन होगा? साइटोकाइनिन। इसके अलावे ये बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है। याद कीजिए, आपको मैंने एक संरचना बताई थी पादपों में से कलिका या बर्ड्स कहते हैं, ये क्या करता है? कलिका की वृद्धि को प्रभावित करता है, मतलब उसे रोकता है। कलिका, इंग्लिश में बर्ड्स कहेंगे। क्या करता है? कलिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। जी हाँ, कौन करता है? साइटोकाइनिन। क्या करता है? कलिका की वृद्धि को प्रभावित करेगा। कौन करेगा? साइटोकाइनिन। और एक रसायन है जिसे कहते हैं काइनेटिन रसायन। ये रसायन साइटोकाइनिन की तरह कार्य करता है।
तो जाहिर सी बात है कि ये रसायन क्या होता होगा, ये रसायन अलग से दिया जाता होगा, बाहर से दिया जाता होगा, तो इसे बाहर से जिस रूप में देते हैं उसका नाम क्या है, काइटेनिन, और वास्तव में हमारे हार्मोन का नाम क्या है, साइटोकाइनिन। चलिए एक बार फिर से दोहरा लें हम लोग साइटोकाइनिन को। सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण बात कि साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। दूसरी बात कि इसका संश्लेषण जड़ के सिरों से होता है। जड़ के सिरा, जड़ का सिरा मतलब अब देखिए रूट सिस्टम, ये जड़ है, तो ये जड़ का जो अगला हिस्सा है ना, इसे ही हम लोग सिरा कहते हैं, अगला सिरा। इसी अगले सिरे से इस हार्मोन का संश्लेषण होता है, या यूं कह सकते हैं निर्माण होता है या स्रावित होता है। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो अब बात एग्जाम की होगी, तो एग्जाम में आपको पूछता है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में सहायता कौन सा हार्मोन करता है, तो आपको जवाब क्या देना होगा वहां, साइटोकाइनिन। जी हाँ, कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। अब एक ही बीज के अंकुरण को प्रेरित करता है, कलिका की वृद्धि को प्रभावित करता है, और एक काइनेटिन रसायन है जिसका प्रयोग साइटोकाइनिन की तरह करते हैं। अब देखिए, ऑक्सिन भी बीज के अंकुरण को प्रभावित कर रहा था, लेकिन कैसा? वो सुसुप्ता अवस्था में ले जा रहा था। ऑक्सिन बीज को सुला रहा है, जगा नहीं रहा है, सुला रहा है, लेकिन जो जिब्रेलिन है वो सोए हुए बीज को जगा रहा है, सुसुप्ता अवस्था को भंग कर रहा है, जागृत अवस्था में ला रहा है, और साइटोकाइनिन भी उसे अंकुरण को प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। अब बात करेंगे हम लोग अपने चौथे सेक्शन वृद्धि रोधक हार्मोन की, जिसमें दो हार्मोन आएगा, एक होगा एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन, दूसरा होगा एब्सिसिक एसिड, जिसे हम लोग कहेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन। तो चलिए हम लोग अपने चौथे हार्मोन की ओर चलते हैं, हमारा चौथा हार्मोन होगा एथिलीन। चलिए हमारा चौथा हार्मोन क्या है? एथिलीन। देखिए ये गैस रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, किस रूप में पाया जाता है? गैस रूप में पाया जाता है, कहेंगे गैस रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन हो गया? एथिलीन। दूसरी बात, मुख्य रूप से इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फल पकाने वाला हार्मोन। किसे? एथिलीन को। ये भी क्या करता है? ये भी वृद्धि रोधक का कार्य करता है। जी हाँ, क्या करता है? वृद्धि रोधक का कार्य करता है, इसीलिए इथिलीन को भी हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन। इसका निर्माण पौधे के हर भाग में होता है। क्या कहेंगे? इसका निर्माण पौधे के हर भाग में होता है, और सबसे बड़ी बात ये क्या करता है? मादा पुष्प में वृद्धि करता है। यदि पादप में, पौधे में कोई पुष्प है, और यदि वो मादा है, जायांग वाला हिस्सा है, तो क्या करेगा? मादा पुष्प में वृद्धि करेगा, परंतु नर पुष्प को दुष्प्रभावित करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये उसमें वृद्धि करने का कार्य नहीं करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखना है आपको, ठीक है? मादा पुष्प में वृद्धि करता है, लेकिन नर पुष्प को क्या करता है? दुष्प्रभावित करता है, और नई जड़ के निर्माण में भी सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। देखिए यही क्या होता है, कृत्रिम रूप में, जी हाँ, कृत्रिम रूप में
लोग एसिटिलीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। जैसे घर में देखते हैं एसिटल कार्बाइड कार्बाइड का प्रयोग करते हैं लोग, कार्बाइड कार्बाइड कहते हैं, वो कृत्रिम है गाय, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा जो इथिलीन है वो प्राकृतिक है, जो पौधों में पाया जाता है, गैस रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। मुख्य रूप से इसे क्या कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। ये वृद्धि रोधन का भी कार्य करता है, पौधे के लगभग हर भाग में इसका निर्माण होता है। मादा पुष्प में वृद्धि करता है परंतु नर पुष्प को दुष्प्रभावित करता है और ये नई जड़ के निर्माण में भी सहायता करता है। कौन सा हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, जी हाँ, कौन सा, एथिलीन। तो चलिए अब हम लोग पांचवा हार्मोन देखेंगे, एब्सिसिक एसिड। चलिए हमारा पांचवा हार्मोन क्या है, एब्सिसिक एसिड। इसे मुख्य रूप से कहते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। यदि आपको एग्जाम में कभी पूछ दे कि वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं तो याद रखना है आपका सही जवाब क्या होना है, एब्सिसिक एसिड होना है। वहां आप इथिलीन जवाब नहीं दे सकते, और यदि वहां आप इथिलीन जवाब देते हैं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, क्यों वृद्धि रोधक कहते हैं, ये बीज और फल को सुसुप्तावस्था में ले जाता है। किस अवस्था में ले जा रहा है, सुसुप्तावस्था में ले जा रहा है, और साथ ही साथ कली और बीज की वृद्धि और अंकुरण को रोकता है। मतलब ना तो उसका वृद्धि होने देता है और ना ही उसका अंकुरण होने देता है। कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, एकदम याद रखना है, कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। इसके अलावे ये पत्ती को पीला कर देता है। देखिए होता क्या है ना, जब पत्तियां पीली हो जाती है तो वो धीरे धीरे झड़कर पेड़ से गिर जाती है, अलग हो जाती है, वही कहते हैं पत्तियों को क्या करता है, पत्तियों को पीला कर देता है, पीली कर देता है। इतना ही नहीं, ये हार्मोन कोशिका विभाजन को रोकता है। जब कोशिका विभाजन रोक रहा है तो कोशिका विभाजन का अर्थ क्या हो गया, वृद्धि, वृद्धि को रोकता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इसी कारण इसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। एकदम याद रखना है, क्या कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन। और सबसे लास्ट फैक्ट इसका, ये पत्ती के विगलन में सहायता करता है। इसका मतलब इसके कारण क्या होता है, पत्तियों का विगलन होता है, पत्तियां मुरझाती है, टूटकर गिर जाती है, सड़कर नष्ट हो जाती है। तो हम लोग किस हार्मोन की बात कर रहे हैं, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल की बात कर रहे हैं, जिसे हम वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। ये मुख्य रूप से क्या करता है, बीज और फल को सुसुप्तावस्था मतलब सुला देगा, वो जगह है ही नहीं तो विकास होगा नहीं, वृद्धि होगी नहीं। कली और बीज को खिलने नहीं देता, अंकुरण नहीं होने देता, पत्तियों को पीला कर देता है, कोशिका विभाजन और वृद्धि को रोक देता है। यही वजह है कि इसे हम वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं। तो हमारा जो विभाजन था चार भाग में वो तो पूर्ण हो गया। अब इसके अलावे अंतिम एक हमारा हार्मोन बचता है फ्लोरीजिन्स, चलिए उसे देख लेंगे, फिर हमारा ये पादप हार्मोन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा छठा और जो सबसे अंतिम हार्मोन है वो क्या है, वो है फ्लोरीजिन्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। तो छठा और सबसे अंतिम हार्मोन हमारा क्या है, वो है फ्लोरीजिन्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फूल खिलाने वाला हार्मोन। जी हाँ, क्या कहेंगे, फूल खिलाने वाला हार्मोन, एकदम बिल्कुल याद रखना है। पूछता है डायरेक्ट आपको एग्जाम में कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं, तो फ्लोरीजिन्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये फूल खिलने में मदद करेगा। जी हाँ, क्या करेगा, फूलों के खिलने में मदद करेगा, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, फ्लोरीजिन्स कहते हैं। ये कहाँ बनता है, तो इसका संश्लेषण पादप के पत्ती में होता है। जी हाँ, संश्लेषण कहाँ होता है,
पत्तियों में होता है, यही वजह है कि इसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बस इसका एक ही चीज पूछता है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन क्या है या फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है, वो है फ्लोरीजेन्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा पादप हार्मोन का चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर में मैं आपको प्लांट डिजीज के बारे में बताऊंगा, पादप रोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पादप रोग हैं जो बचे हुए हैं, तो वो बताकर हम लोग पादप रोग को ख़त्म करेंगे। और उम्मीद है 2 से 3 क्लास में हमारा पादप जगत कंप्लीट हो जाएगा और तब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, जो बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।